और जो आउटपुट रहेगा वो रिस्पेक्टिव फोर बिट का टू टूज कॉम्प्लीमेंट रहना चाहिए इस तरह का सर्किट आपको बनाना है उसके बाद शो दैट द सर्किट कैन बी कंस्ट्रक्टेड विथ एक्जॉर गेट्स ठीक है इसके जो हम सर्किट बनाएंगे उसमें एक्जॉर गेट्स यूज होने चाहिए दूसरे गेट भी यूज़ होंगे लेकिन एक्जॉर गेट का भी यूज़ होना चाहिए एंड कैन यू प्रिडिक्ट वॉट द आउटपुट फंक्शंस फॉर फाइव बिट टूज कॉम्प्लीमेंटर तो हम यहाँ पर फोर बिट का तो बना रहे हैं फिर उसका जो एंसर आएगा उसके हिसाब से हमको फाइव बिट का अगर मान लो बाइनरी का कोई नंबर हो तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंटर जो आप डिज़ाइन करेंगे उसके आपको फंक्शंस लिख के बताने हैं तो वो हम फोर बिट का लिख लें उसके बाद देख लेंगे कैसे हम फाइव बिट का लिख पाते हैं

फिफ्टीन को लिखा है वन 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 तो अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमको एक टेबल बनानी है जिसमें हम ये फोर बिट के बाइनरी नंबर्स uh, लिखेंगे और उनका रिस्पेक्टिव टूज कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे ठीक है जैसे जीरो 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 का टूज कॉम्प्लीमेंट होता है जीरो 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 फिर जीरो 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 वन का टूज कॉम्प्लीमेंट होता है वन 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 टू बाइनरी में जो टू लिखते हैं वो लिखते हैं जीरो जीरो वन जीरो और इसका टूज कॉम्प्लीमेंट होता है वन 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 जीरो तो अब हमने यहाँ पर सारे बाइनरी जो हमारे फिफ्टी जीरो से लेकर फिफ्टीन नंबर है उनके यहाँ पर टूज कॉम्प्लीमेंट लिख लिए है ठीक है लेकिन अगर आपको टूज कॉम्प्लीमेंट लिखते आते हो अगर सभी के तो तो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन नहीं आते हो तो मैं यहाँ पर आपको टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं बाइनरी नंबर के वो मैं आपको थोड़ा बताने वाली हूँ ठीक है तो अब किसी भी बाइनरी नंबर का हमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो पहले हम उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और फिर उसमें वन बाइनरी नंबर वन एड करते हैं ठीक है देखो मैं फिर से रिपीट करती हूँ टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है और फिर उसमें वन एड करना है ओके तो यहाँ पर हमने ये बाइनरी नंबर लिखा है जीरो 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 तो इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना होता है वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना होता है जो भी आपके डिजिट्स हो ना अगर जीरो हो तो उसको वन लिख देना और वन हो तो उसको जीरो लिख देना अब यहाँ पर चारों डिजिट जीरो है तो चारों डिजिट क्या हो जाएगी वन 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 और फिर इसमें हम क्या एड करेंगे प्लस वन ठीक है तो वन 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 में जब आप प्लस वन करते हैं ठीक है तो क्या आंसर आएगा वन प्लस वन जीरो कैरी वन प्लस वन जीरो कैरी वन प्लस वन जीरो कैरी वन प्लस वन जीरो और इस कैरी को आप डिस्कार्ड कर दीजिए ठीक है तो जीरो 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 आया है ना तो ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट आया टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ जीरो 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 इज अगेन आपका आया ज़ीरो 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 देखिए हमने क्या किया हमने इस नंबर का इस बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला फिर उसमें प्लस वन किया ठीक है तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के प्लस वन करना है तो आपको इस तरह से प्लस वन करना है है ना ये हमने प्लस हो वन 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 वंस कॉम्प्लीमेंट था प्लस वन किया तो आपका आंसर जो फोर बिट का आएगा वही आपको लिखना है तो फोर बिट का आंसर आपका क्या हो जाएगा ज़ीरो जीरो ज़ीरो जीरो और इसको आपको डिस्कार्ड कर देना है राइट right? एक और करते हैं जैसे आपका क्या है जीरो 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 वन ये वन के लिए आप फोर बीट में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका वन कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा जहाँ पर जीरो हो वहाँ पर वन जहाँ पर वन हो वहाँ पर जीरो तो ये हो जाएगा वन 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 जीरो इसमें प्लस वन करना है ठीक है तो इसमें बहुत ईजी है वन 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 जीरो प्लस वन मतलब क्या हो जाएगा वन 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 देखिए यहाँ पे वन ही हो रहा कुछ कैरी हो ही नहीं रहा है तो इसका क्या हो जाएगा टू कॉम्प्लीमेंट वन 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 ओके अब हम नेक्स्ट देखते हैं जीरो ज़ीरो वन ज़ीरो टू का है तो इसका वन कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा वन वन ज़ीरो वन प्लस वन ठीक है तो अब हम इसको करते हैं वन वन ज़ीरो वन प्लस वन वन प्लस वन ज़ीरो वन कैरी गया वन प्लस ज़ीरो वन 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 तो क्या आया इसका टूज कॉम्प्लीमेंट वन 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 ज़ीरो तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट आया One, 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 zero. तो इस तरह से आप सारे नंबर्स नंबर्स के के सारे बाइनरी टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे है ना या, तो आप उसमें one add तो two's आएगा, या मैं एक और आपको शॉर्टकट मेथड बताती हूँ उस शॉर्टकट मेथड से बहुत ही ईजी है टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना तो उस मेथड में क्या करते हैं जिस भी बाइनरी नंबर का आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना हो जिस भी बाइनरी नंबर का जैसे मान लो कि आपको अभी जीरो जीरो वन वन का निकालना है ठीक है तो आपने क्या करना है आपने राइट right हैंड से लेफ्ट हैंड की साइड जाना है है ना और जैसे ही पहला वन आ जाए पहला वन आ जाए तो आपने उसको वन लिख लेना ठीक है उस वन को लिख लेना फर्स्ट वन को उसको लिख लेना है और उसके बाद की जो जो भी डिजिट आती है जैसे ये आपका फर्स्ट वन है ठीक है इसको आपने लिख लिया लेकिन उसके बाद जो भी डिजिट आएगी उसका कॉम्प्लीमेंट करना है मतलब वन का क्या लिखना है जीरो और जीरो को क्या लिखना है वन और इस जीरो को क्या लिखना है वन तो ये डायरेक्ट टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ये टूज कॉम्प्लीमेंट की शॉर्टकट मेथड है तो आपका थ्री का जो टूज कॉम्प्लीमेंट आया वो क्या आया वन वन जीरो वन हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये सही में इतना ही आ रहा है या नहीं तो इसके लिए पहले क्या करते हैं हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इस थ्री का वन कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे मतलब वन वन जीरो जीरो और इसमें वन ऐड करेंगे तो देखिए इसमें वन ऐड करोगे तो क्या आएगा वन वन जीरो वन ही आया तो देखिए वन वन जीरो वन आया तो थ्री का क्या आया आपका आप यहाँ पर थ्री का आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें जीरो जीरो वन वन का क्या आया आपका वन वन ज़ीरो वन ठीक है इसी तरीके से अब फोर का क्या हो जाएगा शॉर्टकट मेथड से आप इधर से जाएंगे राइट हैंड साइड से इधर एंट्री करना और जब तक फर्स्ट वन ना आ जाए तब तक की सारी डिजिट्स लिख लेना ज़ीरो जीरो वन यहाँ तक लिख लेंगे तो यह हो जाएगा जीरो ज़ीरो वन और उसके बाद की जो डिजिट डिजिट डिजि होगी ज़ीरो जीरो वन लिखे उसके बाद की जो डिजिट होगी उसका कॉम्प्लीमेंट करना है मतलब वन लिखना है तो ज़ीरो वन जीरो जीरो का क्या हो जाएगा वन वन जीरो जीरो इसी तरीके से जीरो वन जीरो वन का क्या हो जाएगा आप इधर राइट हैंड साइड से एंट्री करेंगे ये वाला वन आपको लिख लेना है ऐसा कैसे ही उसके बाद क्या करना है कॉम्प्लीमेंट करना है मतलब ज़ीरो का वन वन का जीरो और ज़ीरो का वन तो क्या हो जाएगा फाइव का जीरो वन जीरो वन का हो जाएगा वन ज़ीरो वन वन है ना और सिक्स का क्या हो जाएगा सिक्स का कॉम्प्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ज़ीरो वन तो हम वैसे ही लिख लेंगे और फिर क्या हो जाएगा ये वन का हम जीरो करेंगे और जीरो को हम वन लिखेंगे तो वन ज़ीरो वन जीरो इस तरह से आप सारे नंबर का कर लेना लेट हमने टू कॉम्प्लीमेंट की टेबल बना ली है यहाँ पर ठीक है जैसे देखिए ये देखिए ये हमने टेन के लिए बाइनरी है वन जीरो वन जीरो है ना इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या आया है जीरो वन वन जीरो तो इसको देखते हैं हम राइट हैंड साइड से एंट्री करते हैं तो जीरो वन तो वैसे ही लिख लिया जीरो वन और उसके बाद इस जीरो को वन कर देना है ये किया और इस वन को जीरो कर देना है ठीक है हाँ तो ये आपने देख लिया ये हमने टेबल बना ली है फोर बिट बाइनरी नंबर और उनके टूज कॉम्प्लीमेंट रिस्पेक्टिव टूज कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर लिख लिए हैं देखिए यहाँ तक मैंने लिखे हैं थर्टीन तक के और ये जो दो आए हैं ये फोर्टीन और उसका टूज कॉम्प्लीमेंट और 15 और उसका टूज कॉम्प्लीमेंट अब हमें क्या करना है अब हमको इस तरह से टेबल बना लेने के बाद ये हमारे जो टूज कॉम्प्लीमेंट होंगे उसके wx y z ये हमारे आउटपुट होंगे और ये हमारे इनपुट होंगे a b c d तो हमें फोर वेरिएबल का के मैप बनाना है जिसके इनपुट होंगे a b c d और हमें ऐसे फोर के बनाने हैं एक डब्ल्यू के लिए एक एक के लिए एक वाई के लिए और एक जेड के लिए ठीक है और हम ये डब्ल्यू में जो यहाँ पर जीरो वन 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 आया है जीरो 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 उस हिसाब से सेल्स में एंट्री करेंगे तो अब हम के में बना लेते हैं हाँ तो देखिए हमने ये W के लिए फोर वेरिएबल का के एमएफ बनाया है तो इसमें सिक्सटीन सेल्स हैं और इसको मैंने सेल नंबर दे दिया है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन और इसके बाद ए बी इस तरह से वर्टिकल लिया और सी डी होरिजेंटल लिया है यहाँ लिखा है एडेश बी डेडिश बी ए बी ए बी डे सी डी एच डी डैश सी डे डी सी डी सी डी इस तरह से आपको कंप्लीट के मेप इस तरह से सारा कुछ लिख के बना लेना है जैसे हमने डब्ल्यू के लिए बनाया है वैसे ही एक्स वाई और जेड सब के लिए आपको बना लेना है उसके बाद देखिए हमने ये डब्ल्यू का आप कॉलम देखिए तो जीरो नंबर की सेल में जीरो है और उसके बाद वन शुरू हुआ है और ये गया है एट नंबर की सेल तक है ना और नाइन के बाद फिर से जीरो है ठीक है तो जीरो में हमने जीरो एंटर किया है और ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट में हमने वन भरा है बाकी सब दूर फिर से जीरो एंटर कर दिए ठीक है इस तरीके से आपको एक्स के लिए भी कॉलम देखकर एंट्री कर लेनी है वाई के लिए भी कॉलम देख कर देखिए ये वाले कॉलम देखना है आपको है ना एक्स का ये वाला कॉलम ये जो एक्स है ना एक्स का ये वाला कॉलम देख कर एंट्री करना है वाई का ये वाला कॉलम देख कर एंट्री करना है जेड का ये वाला कॉलम देखकर एंट्री करना है तो हमने यहां पर ये एक्स के लिए के मैप बनाया है है ना ये के एम एप एक्स के लिए है इधर ए बी है और इधर सी डी है ठीक है आप बनाएंगे तो आपको कंप्लीट के में बनाना है इस तरह से पूरा लिखना है इसमें भी भाई में भी लिखना है भाई के लिए बनाया है हमने भाई के लिए भी यहाँ पर एंटर किया है और जेड के लिए भी एंटर किया है और यहाँ पर सेल नंबर यहाँ ऊपर से ही देखकर मैंने यहाँ पर एंट्री की है ठीक है और जेड के लिए भी यहाँ पर एंटर किया है ठीक है अब उसके बाद अब हमने क्या करना है इस तरह से हमने एंट्री कर देने के बाद अब हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे है ना तो अब हमको सारे वन कवर करने होते हैं ठीक है तो आप इसकी तो इसका जो ग्रुप बनेगा वो एक ए4 का ग्रुप बनेगा 4 5 6 7 का एक 3 2 7 6 का बनेगा ये वाला ठीक है इसके बाद 1 3 5 7 वाला एक ग्रुप बनेगा 4 का और ये एक सिंगल वन बचता है ये किसी के साथ भी ग्रुप नहीं हो रहा है तो ये सिंगल ही रहेगा ठीक है तो W में कितनी टर्म्स आएंगी टोटल फोर टर्म्स आएंगे एक इस फोर के ग्रुप के लिए जिसकी वैल्यू हो जाएगी एडिश बी इस फोर के ग्रुप की वन थ्री फाइव सेवन की वैल्यू हो जाएगी एडेश डी और इसकी वैल्यू हो जाएगी एडिश सी थ्री टू सेवन सिक्स वाले की एडिश सी और ये जो सिंगल है उसकी वैल्यू हो जाएगी ए बी डैश और इधर ऊपर जाएंगे तो सी डैश डी का W इज इक्वल टू क्या जाएगा W इज इक्ल टू ए बी डेश सी डे डी डेडेश पी प्लस एडेश सी प्लस एडेश डी तो इस तरह से हमने इसके लिए W की वैल्यू देख ली अब हम X के लिए यहाँ पर ग्रुपिंग करेंगे तो X के लिए हमने यहाँ पर K एम बना लिया है तो ये रोल ओवर प्रॉपर्टी से ये जो होंगे ये फोर बनेंगे फिर दूसरे ये फोर बनेंगे दूसरा ग्रुप ये फोर का बनेगा ठीक है और ये दो है तो एक्स में तीन टर्म्स आएंगे ठीक है तो ये जो दो वन है इसके लिए टर्म क्या आएगी यहाँ पर देख के बताएंगे इन, ये हो जाएगी यहाँ पर दोनों में बी सेम है तो बी बी सी डेश डी डेश इस, इसकी वैल्यू आएगी बी सी डेश डी डेश ये जो फोर का आपका ये वाला जो बन रहा है ग्रुप मतलब थ्री टू टेन और इलेवन वाला जो बन रहा है उसका आंसर आएगा देखिए यहीं पर देखेंगे हम हाँ. यहाँ पर ऊपर जा रहे हैं तो सेम सी आ रहा है और इधर जा रहे हैं तो सेम क्या आ रहा है बीडेश तो बिडेश सी आएगी इसकी वैल्यू ठीक है और ये जो आपका ग्रुप है वन थ्री और नाइन और टेन वाला इसका आंसर आएगा वन थ्री के लिए आप ऊपर जाएंगे तो सेम आ रहा है डी वन थ्री नाइन सेवन में और इधर जाएंगे तो आपका सेम आ रहा है बीडेश तो बी डेष डी इसका आंसर आएगा बी डिश डी तो आपके x की वैल्यू क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू बी सी डे डी ड प्लस बी डे डी प्लस बी डिश सी सो यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया है x इज इक्वल टू बी सी डेच डिडेस प्लस बी ड सी प्लस बी डे डी ठीक है अभी हम लिख रहे हैं बाद में फर्दर फिर w लिख लिया है अभी x लिख लिया है इसे हम सॉल्व करेंगे फिर बाद में अब हम y के लिए ये y का जो कॉलम है आपका ये वाला जीरो वन वन ज़ीरो जीरो वन वन ज़ीरो जीरो वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन और उसके बाद सारी एंट्रीज आपको यहाँ पर कर लेनी है ठीक है ये जैसे देखिए जीरो वन वन फिर यहाँ पर ज़ीरो है ना तो इस तरह से ज़ीरो वन वन ज़ीरो इस तरह से आप एंटर कर लेना तो ये यह वन यहाँ पर एक फोर का ग्रुप बनेगा ये वाला और एक फोर का ग्रुप यहाँ पर बनेगा है ना तो इस फोर के ग्रुप की वैल्यू क्या होगी आप ऊपर देख लीजिए ये यह, यही वाला कॉलम है तो सी डी डिश आ जाएगी इसकी वैल्यू और इस फोर के ग्रुप की वैल्यू आ जाएगी देखिए ये सेकंड कॉलम है जिसकी वैल्यू सी डैश डी है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सी डैश डी तो आपके भाई की वैल्यू क्या आ जाएगी सी डैश डी प्लस सी डी डैश मतलब सी और डी के बीच जोर, ठीक है अब हम जेड के लिए बना लेते हैं के मैप तो जेड के लिए जब आप के मैप में एंट्री करेंगे ठीक है पहले यहाँ पर सेल नंबर डालें ना आप ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन और उसके बाद ही आप उस कॉलम को देखकर झेड़ के कॉलम को देखकर ये जो झेड़ का कॉलम है ना लास्ट वाला इसको देखकर एंट्री करना ठीक है अब इसमें सेल नंबर कहाँ से पता पड़ते हैं ये जो यहाँ पर नंबर लिखे हैं ना ये सेल नंबर है ये जो है ये ठीक है तो ये यहाँ से एंटर कर देना तो यहाँ पर देखिए एट का ग्रुप बन रहा है और इस एट के ग्रुप का जो आंसर आएगा वो सिंगल लिटरल आएगा तो इस एट के ग्रुप में आप ऊपर जाएंगे तो देखिए ये बीच वाले दो कॉलम आ रहे हैं बीच वाले दो तो इसी मेन में जाकर आप देखिए तो ऊपर क्या सेम आ रहा है डी तो झेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी अब हम इन चारों इक्वेशन जो हमको मिली है डब्ल्यू एक्स वाई और जेड के लिए उनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अभी आपने देखा डब्ल्यू इज इक्वल टू आया ए बीडेज सीडेज डिडेश प्लस एडेश बी प्लस एडेश सी प्लस एडेश डी ये जो डब्ल्यू के लिए आपने के में बनाया था वहीं से आया एक्सप्रेशन उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो बीडेज सीडेज डिडेश है ये यह यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं डी मॉर्गन थ्योरम से बी प्लस सी प्लस डी होल कॉम्प्लीमेंट देखिए यहाँ पर इनके बीच एंड ऑपरेशन है तो एंड ऑपरेशन और में चेंज हो गई है और तीनों का ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग गया है ना तो ए ब्रैकेट बी प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट ये हमने डी मॉर्गन थ्योरम से लिखा है प्लस ये जो बची हुई तीन टर्म है इनमें से एडेश कॉमन ले लिया तो अंदर बचा बी प्लस सी प्लस डी ठीक है तो इस इक्वेशन को आप यहाँ से देखिए एक्स एक्सॉर वाई होता है एक्स वाईडेश प्लस वाईडेश्स तो वन कॉम्प्लीमेंट और वन वेरिएबल सेकंड का कॉम्प्लीमेंट इस पूरे को एक ही ले लेना कॉम्प्लीमेंट प्लस पहले का कॉम्प्लीमेंट और जो सेकंड था वो वैसा का वैसा ही वेरिएबल मतलब क्या हुआ ए और इस ब्रैकेट के बीच एक जोर है देखिए इसको रिजेंबल कीजिए इससे है ना तो ये क्या हो गया ए एक जोर बी प्लस सी प्लस डी ठीक है अब हमने एक्स भी निकाला था एक्स इज इक्वल टू क्या निकाला था बी सी डैश डी डैश प्लस बी डैश सी प्लस बी डैश डी तो इसमें सी डैश डी डैश पर फिर से हम डीमॉर्गन से थ्योरम लगाएंगे तो हम लिखेंगे इसको बी ब्रेकेट में सी प्लस डी होल कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे जो एंड ऑपरेशन थी वो और में चेंज हो गई है और इन दोनों के पूरे ब्रेकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया है तो ये फिर से बी और सी प्लस डी के बीच एक्सॉर का फार्मूला है देखिए आप इसको, इसको इससे कंपेयर करें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस वाई डैश एक्स बी सी प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डे ब्रैकेट सी प्लस डी मतलब बी एक्र सी प्लस डी ठीक ये एक्स के लिए आया फिर आपने वाई के लिए देखा था सी और डी के बीच एक्र और जेड को देखा था जेड इज इक्वल टू डी तो अब ये जो हमारी फोर इक्वेशंस आई हैं ये वन ये टू ये एक्स इज इक्वल टू है ये थ्री और ये फोर इन फोर हमारी जो इक्वेशन्स आई हैं इनकी हेल्प से अब हम हमारा लॉजिक सर्किट डिजाइन करते हैं ठीक है आपने देख लिया यहाँ पर हमको क्वेश्चन में बोला भी है कि एक्जॉर गेट से बनाना है आपको तो यहाँ पर तीन जगह एक्र ऑपरेशन भी आई है मतलब आपको तीन जगह एग्जॉर गेट लगेंगे और यहाँ पर बी प्लस सी प्लस डी है मतलब यहाँ पर बी सी और डी के बीच और गेट लगेगा ठीक यहाँ पर सी और डी के बीच और गेट लगेगा जो और गेट का आउटपुट आएगा उसके और बी के बीच एग्जॉर इस आर गेट के आउटपुट और ए के बीच एग्जॉर यहाँ पर सी और डी के बीच एक्सॉर और डी आप सीधा ले लेंगे उससे जेड़ आ जाएगा ठीक है तो अब हम ये देख लेते हैं ये आपने बनाया है फोर बिट बाइनरी टू टू कॉम्प्लीमेंटर मतलब इन फोर बिट के जो बाइनरी नंबर रहेंगे उनका रिस्पेक्टिव टूज कॉम्प्लीमेंटर ये टूज कॉम्प्लीमेंट देगा तो ये ए बी सी डी आपके इनपुट्स हैं यहाँ से देखिए अब यह पहला आपने और गेट लगाया है जो जिसके कनेक्शन आ रहे हैं बी से सी से और डी से तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बी प्लस सी प्लस डी और यहाँ से ये यह ऊपर से क्या आ रहा है आपका ए तो ए और बी प्लस सी प्लस डी के बीच एक्सोर करने पर आपको डब्ल्यू मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर ये यह आ रहा है आपका बी और यहाँ पर ये यह आ रहा है सी और डी तो ये सी और डी तो यहाँ सी प्लस डी तो बी सी प्लस डी और बी इन दोनों के बीच एक्सोर तो आपको एक्स मिल जाएगा ये आपका आ रहा है सी देखिए आप ऊपर से कनेक्शन देखिए ये सी से आ रहा है ना ये सी ये आ रहा है आपका डी तो सी और डी के बीच सी और डी के बीच आपका क्या है ये एक्जॉर है ये और है ये एक्जॉर है है ना ये कौन सा गेट है एक्जॉर गेट तो यहाँ पर आपको मिला सी एक्सॉर डी सी एक्जर डी आपका वाई है और जेड आपका डायरेक्ट डी से है तो डायरेक्ट डी से कनेक्ट कर दिया है तो ये आपके डब्ल्यू एक्स वाई जेड आउटपुट मिले हैं जो कि आपके फोर बिट के यहाँ पर आप जो भी नंबर देंगे उनका टूज कॉम्प्लीमेंट देंगे ये ठीक है अब हमें यहाँ पर पूछा गया है कि आप अगर फाइव बिट का बाइनरी नंबर हो और उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो उसके फंक्शंस लिख सकते हैं क्या ठीक है तो अब यहाँ पर हमने जो फाइव बिट का जो बाइनरी नंबर लिया है उसमें हमारी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो हमने ई e से रिप्रेजेंट की है मतलब आपकी जो फाइव बिट्स हैं वो ई ए बी सी डी है डी आपकी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और इसके जो टूज कॉम्प्लीमेंट आएंगे वो आपने लिए हैं वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड मतलब वी आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आएगी टूज़ कॉम्प्लीमेंट में और ये Z आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आएगी तो अब हम क्या करते हैं फाइव बिट के लिए हम थोड़ा सा ये फोर बिट वाले का स्टडी करते हैं ठीक है तो जैसे जब फोर बिट का था तो तब आपने W निकाला था तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का रेस्ट ऑफ द बिट्स के साथ एक्सार ऑपरेशन था ये देखा यहाँ पर आपने है ना तो यहाँ पर हम जो मोस्ट बाकी सारी बिट्स के लिए यही सेम चार इक्वेशन आएंगी W X Y और Z एग्जैक्टली exactly यही के यही आएंगे लेकिन सिर्फ ये वी जो आपका आएगा दैट वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये वी दिस वी इज इक्वल टू जो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ई e. ई e का इन इन सबके और के साथ एक्जॉर ऑपरेशन मतलब ई एक्सॉर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये वाली आपकी वी के लिए इक्वेशन आ जाएगी और बाकी इक्वेशन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहेगी मतलब डब्ल्यू के लिए क्या रहेगी डब्ल्यू इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी प्लस सी प्लस डी और एक्स इज इक्वल टू बी एक्सॉर सी प्लस डी वाई इज इक्वल टू सी D और डी और जेड इज इक्वल टू बी यही रहेंगे ठीक है तो ये फाइव बिट के लिए भी हो गया तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जीरो के अलावा और कौन सा बाइनरी नंबर था उसका टूज कॉम्प्लीमेंट एग्जैक्टली उसी फोर बिट बाइनरी नंबर के इक्वल आया है ये आपको आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट अस